नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीयू न्यूज। आज की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। गहलोत बोले, वीरंगनाओं के लिए राजस्थान जैसा पैकेज कहीं नहीं। कहा, चुनावी साल है इसलिए बीजेपी नेताओं ने इकट्ठा किया, लोगों को कर रहे गुमराह। राजस्थान में पहली बार आप करेगी शक्ति प्रदर्शन, केजरीवाल भागवत मान निकालेंगे तिरंगा यात्रा, जयपुर में जनसभा की तैयारी। भोपाल में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, राजभवन घेरने का ऐलान, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, 500 जवान तैनात। हरियाणा में गहरा सकता है जल संकट, मौसम विभाग का गर्मी को लेकर अलर्ट, रेड जोन में आ चुके हैं 1750 गांव। ओवरसाइट कमेटी आज खेल मंत्रालय को देगी जांच रिपोर्ट, सबूत नहीं फिर भी खिलाड़ियों को हक में फैसले की उम्मीद। हरियाणा में कांग्रेस का राजभवन मार्च आज, पूर्व सीएम नहीं रहेंगे मौजूद, दीपेंद्र हुड्डा संभालेंगे कमान, हिडन वर्क रिपोर्ट की जांच की मांग। उमेश पाल हत्याकांड में 5 दिन पहले हिस्ट्री सीटर से मिली थी शाइस्ता, साथ में शूटर साबिर भी था। गंगा मेले में बिखरे कानपुरिया होली के रंग, भैंसा ठेले पर निकले हुरियारे, बोले जय सिया राम, अंग्रेजों पर जीत के जश्न में होती है होली। यूपी में आज से बारिश का अलर्ट, 20 मार्च तक बरसात की संभावना, तेज हवा के साथ गिर सकता है ओला। गोरखपुर रिंग रोड समेत 4 फोर लेन को मिलेगी सौगात, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे आधारशिला। तमिलनाडु में बिहार मजदूरों और किशनगंज में मंदिर जला देने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। अमित शाह का टारगेट, बिहार 6 महीने में चौथा दौरा, 2 अप्रैल का सासाराम नवादा आएंगे गृह मंत्री, हर बार निशाने पर नीतीश। इंडियन आइडल में स्पेशल गेस्ट बने समस्तीपुर के अमरजीत, सुरों से जजों का दिल जीता, विशाल ददलानी ने अगले सीजन के लिए दिया न्योता। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू, खनिज नियमों में संशोधन करेगी सरकार, एक्सप्रेसवे का मुद्दा भी उठेगा हंगामे के आसार। पटना अमृतसर शिरडी एवं जयपुर के लिए मिलेगी नई फ्लाइट, एयर इंडिया लो कॉस्ट में शुरू करेगा उड़ान। सिंधे सरकार का पहला बजट फडणवीस ने पेश किया, गोवांस आयोग की स्थापना होगी, किसानों को सालाना 6000 दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार बच्चों को सिखाएगी जीने का तरीका, हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, शिक्षा मंत्री आतिशी बोली शिक्षा मॉडल से रूबरू होगी दुनिया के लोग। राज्य या देश स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी होंगे कोच, औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम में खुलेगा खेलों का सेंटर, खिलाड़ी होंगे प्रशिक्षित। गुप्ताधाम महोत्सव में पहुंचे पंचायती राज मंत्री, राष्ट्रीय पटल पर गुप्ताधाम को मिलेगा स्थान, रियलिटी शो के नामचीन कलाकारों ने बांधा समा। सरकारी टीचर के लिए 7471 पदों पर निकली वैकेंसी, 42 साल की उम्र के उम्मीदवार 15 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहें सीटीयू न्यूज।